मसाइल का खात्मा उस्ताद अलियास जी। जनाब इंशाअल्लाह पूरे पंजाब में मैं फेमस हूँ, यूट्यूब पे भी ये पीटीएन पे फेमस हूँ। पार्ट्स वर्कशॉप और बिल्कुल दोस्ताना माहौल, जो बेटियाँ आती हैं उनको तहफ़ वो मेरी बहनें हैं बेटियाँ हैं जो भी इधर आती हैं उनको पूरा तहफ़ देता हूँ और उनको काम करके देता हूँ, काम की टेंशन नहीं होगी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये भी 49cc है, सिर्फ 5000 चली है, टायर तक बिल्कुल न्यू है, टायर 2+ हैं और इंजन बिल्कुल 0-0 इंजन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मोहतरम दोस्तों, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। आपका नुमाइंदा बनके नसीम बुखारी आता है सेकंड हैंड मोटरसाइकिल मार्केट में, ताकि आप जान सकें कि आपकी फेवरेट स्कूटी बाइक्स, इसके साथ साथ और रेगुलर जो हमारी बाइक्स होती हैं वो कहां से मिलती हैं, किस कंडीशन में मिलती हैं और कितने पैसे आप जेब में रख के आएँगे, अपनी फेवरेट स्कूटी बाइक ले जाएंगे। मौजूद हूँ मैं आप सब दोस्तों की फरमाइश पर काफ़ी टाइम बाद एक ऐसी सेकंड हैंड बाइक्स की डीलरशिप पे, जिनके पास पाकिस्तान की जो जैसे यूनाइटेड है, इलेक्ट्रिक है, उसके अलावा जापानी स्कूटी बाइक्स हैं, सुजुकी वालों की, होंडा वालों की। तो मौजूद हूँ मैं उस्ताद अलियास साहब के पास, ताकि आपको दिखा सकें इस तरह की रिकंडीशन स्कूटी बाइक्स की कलेक्शन मौजूद है। तो आए बात करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद जी, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का माशाल्लाह, आज भी आपके पास वैरायटी काफ़ी खड़ी है। आल तो आप कह रहे हैं काफ़ी सेल भी हो गई उनमें से, लेकिन जो हैं वो हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं जी। तो किससे रिव्यू शुरू करें जी? ये सुजुकी जापान से शुरू कर लें। सुजुकी जापान से शुरू करते हैं, इसमें लेट्स 4 भी हैं, लेट्स 5 भी है हमारे सामने, लेट्स 5। अलियास साहब, एक तो हमारे बच्चियाँ मतलब इतनी वाकफियत नहीं रखती हैं, उन्हें थोड़ा फीचर्स बताएँ इनके और सारी डिटेल बताएँ कि पेट्रोल कितना ये लेती है एक लीटर में, स्पीड कितनी होती है, सामान रखने की जगह कहाँ कहाँ होती है और कोई रिपेयर वगैरह का काम निकलता है कि नहीं निकलता? इसमें रिपेयर का काम नहीं निकलेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं बाहर से मंगवाता हूँ और ये चली जापान की होती हैं और मैं सेकंड हैंड बाइक नहीं सेल करता, ठीक है, रिकंडीशन सेल करता हूँ, ठीक है। वो कम चली होती है, 2000, 3000, 5000 ये चली होती है। और ये EFI बाइक है, ये फ्यूल 70 से 80 किलोमीटर करेगी, ये फ्यूल इंजेक्टर है, इसमें कार्बोरेटर नहीं होता। इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्टर जिसको शॉर्ट में EFI कहते हैं, तो वो होता है, उसका मतलब होता है कि आपके पेट्रोल की कंजम्पशन अच्छी होगी, बाइक या गाड़ी जिसमें भी EFI लगा है पेट्रोल कम खाएगी जी। ये जापान का टेक्नोलॉजी है और ये इसकी 60 स्पीड है, ठीक है, फ्यूल टैंक है ऊपर, ठीक है, और ये इसमें डिग्गी है सामान रखने के लिए, इसके साथ हेलमेट भी आया हुआ है, ग्लव्स भी आए हुए हैं। ये चली जापान की है और कम चली है, ठीक है, और बहुत नीट और क्लीन। देखें जैसे हेलमेट बड़े आराम से इसमें फिट आ गया, आप हेलमेट भी रख सकते हैं, अपना लैपटॉप बुक्स और ग्रोसरी वगैरह थोड़ी बहुत जो बंदा करता है वो भी आप इसमें रख सकते हैं। कम्फर्टेबल, अच्छी लेदर की सीट है, पीछे भी कैरियर, यहाँ भी आप छोटी सीट तक इवन लगवा सकते हैं, लगवा सकते हैं। हाँ जी। उसके बाद यह सीट है, यहाँ भी एक पॉकेट है, इसमें भी आप सामान रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसके मीटर पे, ठीक है, तो यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं सामान। और ये देखें फ्यूल गेज भी इसमें है, पता लगता है कितना पेट्रोल इस्तेमाल हो गया, कितना रहता है। उसके बाद आपके सामने माइलेज है, स्पीडोमीटर है, तो सारी मालूमात मिलती है। यहाँ से स्विच ऑन किया, सेल्फ स्टार्ट है, अलॉय व्हील्स के साथ है, किक स्टार्ट भी है, सेल्फ स्टार्ट भी है, अलॉय व्हील्स के साथ है, तो ट्यूबलेस टायर होंगे? ट्यूबलेस टायर हैं इसके और जापानी टायर हैं, ठीक है। तो सर जी, टायर पाकिस्तान से मिल जाते हैं जब ख़त्म हो जाए? इसके पार्ट्स हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, इंजन का सामान, बॉडी का सामान, रिपेयरिंग जो भी है वो मेरे से मिलेगा आपको माशाल्लाह, ठीक है। तो सारी लाइट्स वगैरह सारी वर्किंग में? ये 49cc है, इसका चलान नहीं होता, गवर्नमेंट इसको नंबर अलाउ नहीं करता, अपनी दुकान की नवाइस बना के देंगे और ये 170 की फाइनल आपको मिलेगी। 1,70,000 में ये सुजुकी की लेट्स 5 मिलने जा रही है, नया मॉडल है ये, लेट्स 5 नया है, लेट्स 4 इससे पहले आता था आपके सामने। 49cc स्कूटी पर, 49cc है, पेट्रोल की एवरेज भी अच्छी होगी उस्ताद जी। 49cc कितने करती है एक लीटर में? एक लीटर में 70 से 80 किलोमीटर की गारंटी है मेरी,
और जापान की गारंटी मेरी चली हुई जापान की होगी, चली पाकिस्तान की नहीं होगी। सेकंड हैंड बाइक मैं सेल नहीं करता, रिकंडीशन सेल करता हूँ, कम चली हुई। लो जी, महंगे पेट्रोल का तोड़ सामने आ गया। लड़कियाँ आजकल बाइक्स भी चलाती हैं, वो जैसे अभी मैं रास्ते में देख रहा था 125 चला रही, तो लेकिन वो 30-35-40-50 एवरेज। ये आप लें स्कूटी बाइक लें, ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा आरामदेह, और आपको 70 किलोमीटर गारंटी के साथ कह रहे हैं मिलेगी एवरेज। 70 से 80 किलोमीटर और फुल ऑटोमेटिक, मैनुअल ऑटो नहीं, फुल ऑटो है ये। बात होती है फिर, जैसे ये भी स्कूटी खड़ी है, बात होती है जी हम स्कूटी ले लें, कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई पार्ट्स ना मिले, तो वो भी उस्ताद लियास कह रहे हैं कि पार्ट्स के भी इनके पास फ्राहमी है, मौजूद होते हैं। उसके अलावा मेंटेनेंस का काम भी, जैसे आप देख सकते हैं इसके मेंटेनेंस का काम भी हो रहा है, वो भी यहाँ पे होता है। आपने यहाँ ले आनी है लाहौर होटल के बेसमेंट में, तो यहाँ रिपेयर का काम भी होता है, यानी मसला कोई नहीं, मसाइल का खात्मा उस्ताद लियास। जी जनाब, इंशाअल्लाह पूरे पंजाब में मैं फेमस हूँ, यूट्यूब पे भी ये PTN पे फेमस हूँ। पार्ट्स वर्कशॉप और बिल्कुल दोस्ताना माहौल, जो बेटियाँ आती हैं उनको तहफ़, वो मेरी बहनें हैं बेटियाँ हैं, जो भी इधर आती हैं उनको पूरा तहफ़ देता हूँ और उनको काम करके देता हूँ, काम की टेंशन नहीं होगी इंशाअल्लाह। माशाल्लाह प्रोफेशनल बंदे हैं बड़े, तो अपने काम में माहिर समझे जाते हैं। स्कूटी बाइक्स को लेकर बात करें तो उस्ताद जी 170 फाइनल। जी ये 180 मांगते हैं, 170 इसका फाइनल है, ठीक है। और ये बहुत साफ पीस है, जैसे जैसे नीड पीस आता है वैसे वैसे इसकी कीमत, जो रियल कीमत है ना, जो जापान में 0 मीटर की है, वो 4.5 लाख रुपये है, ठीक है। ये रिकंडीशन मंगाते हैं, कम चली, 3500 चली, 2000 चली, 500 चली, उसके लिए ये समझ लो कि ये रेट रखा हुआ है। और ये बहुत अच्छी बाइक है, और मार्केट में आपको इतना साफ पीस उस्ताद लिहाज से मिलेगा, किसी और से नहीं मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। बिल्कुल उस्ताद जी, बल्कि मैं इसको थोड़ी देर में चला के भी देखता हूँ, ज़रा इसके पिकअप वगैरह भी देखते हैं। एसी का आपको सारे फीचर्स बता दिए स्कूटी बाइक्स के, आप कंडीशन और प्राइस पूछेंगे बाकी रिमेनिंग स्कूटी बाइक्स के। तो उस्ताद जी ये हमारे सामने एक और खड़ी है, ये भी सुजुकी वालों की, ये भी सुजुकी वालों की, ये लेट 4 है, लेटेस्ट 4 मॉडल, ठीक है। ये 1.5 लाख की मिल जाएगी और ये भी नया पीस होगा, 1,50,000 की मिलेगी। बैक टायर मैं देख रहा हूँ बिल्कुल ब्रांड न्यू मुझे नज़र आ रहा है, 49 cc, पेट्रोल की कंजप्शन अच्छी, कम पेट्रोल खाने वाली, EFI सिस्टम के साथ 49 cc। देखिए इसकी फर वगैरह भी टायर की उसी तरह कायम है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा रहा है आपको तो इसकी भी आप लगेज कैपेसिटी देख सकते हैं, आप सामान रखने की अच्छी जगह स्कूटी बाइक में भी। साहब जी कुछ 6 महीने तो ये कोई काम नहीं निकालेंगी इंशाल्लाह, 2 साल काम निकालेगी, ये मेरी आवाज़ है। इसकी गारंटी हमें मिलती कोई नहीं, कंटेनर का माल होता है, हम गारंटी देते नहीं है, लेकिन तहफ़ उस्ताद लियास पूरा देगा, ये गारंटी है माशाल्लाह। जी हमारे सामने एक और सुजुकी की लेट्स 4 खड़ी है, इस टाइम ब्लैक कलर है। उस्ताद जी कंडीशन कैसी है इसकी? कंडीशन ज़बरदस्त, इंजन सील्ड, बॉडी सारी टोटल जेन्युइन और टायर 2+। तो ये कब की इम्पोर्ट है? ये 19 की इम्पोर्ट है। उस्ताद जी ये कितने की मिलेगी? ये भी आपको 160 की मिल जाएगी, 1,60,000 में। ये लेट्स 4 की सुजुकी की स्कूटी बाइक मिलने जा रही है 1,60,000 में। इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी होती हैं, किक स्टार्ट भी होती हैं ये। तो उस्ताद जी इसके बाद? इसके बाद ये यामा जोग है, ठीक है। ये यामा कंपनी की EFI फ्यूल जेटर है, ये भी जापानी है, ये भी जापानी है। ये रेडिएटर सिस्टम है, ये कूल बाइक है, इसमें इंजन में पानी चलता है, कूल बाइक, उसको कूल बाइक कहते हैं। रेडिएटर के साथ है, रेडिएटर के साथ है ये, ठीक है। तो ये कितने की मिलने जा रही है? ये भी आपको 1.5 लाख की मिल जाएगी, 49 cc, 49 cc में। 1,50,000 में ये यामाहा जॉग मिलने जा रही है जी। ये भी स्कूटी बाइक 49 cc आपके सामने, 125 कागजात के साथ, ठीक है। ये 125 cc है, ठीक है। अलाइड रिम में है और ये इंपोर्ट की है, इसको नंबर भी लगा हुआ है, ठीक है। इसके ये फाइल और बुक के साथ है, ये आपको 2 लाख पे मिल जाएगी। जीनियस कंपनी की हमारे सामने इंपोर्टेड स्कूटी बाइक 125 125 cc, बड़े फ्रेम के साथ है, सॉलिड फ्रेम है, बड़ी सीट है, इवन इस पे तो 3 लड़कियां बैठ सकती हैं। ये भी आपके सामने टायर, बड़े टायर्स वगैरह के साथ, अलॉय व्हील्स, डिस्क ब्रेक, उसके साथ मीटर भी बहुत ज़बरदस्त, वो भी आपको दिखाते हैं। लगेज कैपेसिटी सीट के नीचे भी आप रखे हैं सामान वगैरह, यहीं डालता है पेट्रोल, यहाँ ही सामान। उस्ताद जी कैटेगरी चेंज होगी तो इसकी रिपेयर वगैरह भी और सामान भी मिलता है आप? हमारे पास ही मिलेगी, कोई भी बाइक स्कूटी होगी तो उस्ताद लियास बिल्कुल आसानी से कर सकता है, ठीक है। कोई भी काम हो, किसी बाइक का भी, 125 हो, 100 हो,
हर बाइक का काम यहाँ पे होगा। माशाल्लाह जी, मैं कहता हूँ ये सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे, ये कौम की बेटियों की खिदमत कर रहे हैं, ताकि हमारे 50% ज़्यादा आबादी है आने जाने के लिए, जितने रिक्शा वगैरह किराए बढ़ गए हैं, लड़कियों की आखिरी उम्मीद स्कूटी बाइक्स हैं, तो वो इसलिए नहीं लेती, पता नहीं मेंटेनेंस या काम वगैरह भी करवा सकेंगी नहीं करवा सकेंगी, पार्ट्स मिलते नहीं मिलते, लेकिन हर चीज़ का हल मौजूद उस्ताद लियास इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो सर कितने की? ये 2 लाख की मिल जाएगी, ये 4.5 की 5 की नहीं है, लेकिन नंबर लगा हुआ है 21 मॉडल है ये, 21 मॉडल, ये 2 लाख रुपए की मिल जाएगी। 2 लाख रुपए की जी नंबर लगा हुआ है, 4203 नंबर। स्कूटी बाइक आपके सामने बड़ी सॉलिड है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट, मजीद आपको मीटर वगैरह भी दिखाते हैं, इसका साउंड भी सुनवाते हैं और सेल्फ स्टार्ट होते भी दिखाते हैं। चले ये बटन को पुश किया, स्कूटी बाइक हुई स्टार्ट, इसकी सीट वगैरह 3 लड़कियां आसानी से बैठ सकती हैं, अच्छा फ्रेम और इसका डिजिटल मीटर जिस पे के सारी इन्फॉर्मेशन, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, माइलेज, इंजन टेम्परेचर, टाइम, उसके अलावा आरपीएम मीटर, देखा रेस देते हैं तो आरपीएम मीटर चल रहा है, ये सारी मालूम इसके मीटर से मिल रही है आप दोस्तों को। ये इसका स्विच है, ये सेल्फ स्टार्ट, ये लाइट हाई लो इंडिकेटर वगैरह, हर चीज़ वर्किंग में आपके सामने। 125 सीसी स्कूटी बाइक तो सर जी 2 लाख फाइनल जी? ये 2 लाख में फाइनल है, तो प्यार मोहब्बत वो कस्टमर आएगा, कुछ 2-4-5 का कम कर लेते हैं हम। 1,95 लॉक कर दूँ? लॉक कर देंगे। 1,95,000 मिलने जा रही है जी ये 125 सीसी 125 सीसी स्कूटी बाइक। इम्पोर्ट की बाइक है ये, यहाँ की बाइक नहीं है, ये इम्पोर्ट की बाइक है कागजात के साथ। ठीक है जी व्यूअर्स, इसके बाद हमारे सामने पाकिस्तान में ये भी काफ़ी फेमस ब्रांड है, यूनाइटेड की स्कूटी बाइक, बहुत कंफर्टेबल, सिर्फ एक ही है कि थोड़ी कंपनी ने प्राइस इसकी बड़ी तेज़ी से बढ़ाई है, बाकी है कंफर्टेबल। तो उस्ताद जी आप जितना हो सकता है मुनासिब कीमत बता दें इसकी। ये 2023 मॉडल है, ये तकरीबन 250 किलोमीटर चली है, 247 किलोमीटर चली है, बहुत कम है। ठीक है, आज की इसकी नुमाइश होगी, ठीक है, अभी 2.25 रेट हो गया, अभी 2.45 पे जाना है इसका रेट, लेकिन ये आपको 2,10,000 की मिल जाएगी, वो बिल्कुल फ्रेश और नया पीस है, बिल्कुल गारंटी के साथ। कीमतें यकीनन बढ़नी है, 10-15 हज़ार का इजाफा इसका होना है एक साथ ही, ये मुझे भी पता है। तो अलॉय व्हील्स के साथ ट्यूबलेस टायर, 100 सीसी होती है ये, बेल्ट सिस्टम पर चलती है, तो बहुत कम्फर्टेबल मिनी कार ही कहते हैं जो इसको चलाते हैं। ये मिलने जा रही है 2,10,000 जी? जी 2,10,000 में 23 मॉडल, 23 मॉडल 2,10,000 में मिलने जा रही है आपको यूनाइटेड स्कूटी। अलियास एंड ऑटोस में मौजूद है, हमें रिव्यू करवा रहे हैं उस्ताद अलियास साहब, मोबाइल नंबर 0300-451-0538, लाहौर होटल की बेसमेंट में हम मौजूद। उस्ताद जी इसके बाद तो देखें माशाल्लाह वैरायटी हर तरह की स्कूटी बाइक्स की मौजूद उस्ताद अलियास के पास। वो बड़ी क्लासिकल शेप में अब हमारे सामने आई यामाहा वॉक्स, देखें जैसे इसको लुक को देख के लगता है जैसे बंदा कोई लंदन की सड़कों पे चला रही है, कोई मेम चला रही है, बहुत डिफरेंट चीज़ है ये। ये कूल बाइक है, ये भी रेडिएटर वाली बाइक है, कूल बाइक है, यामा वॉक्स है और फ्यूल इजेक्टर के साथ है ये, कार्बोरेटर के बगैर, और यामा कंपनी की, जापान कंपनी की, ठीक है, EFI। तो उस्ताद जी कितने सीसी है ये भी? 49 सीसी है, सिर्फ 5,000 चली है, टायर तक बिल्कुल न्यू है, टायर 2+ हैं और इंजन बिल्कुल 0-0 इंजन है, बॉडी वगैरह स्टोरी वगैरह इसमें भी स्टोरी है, बड़ी स्टोरी है, ठीक है, ये एंटीक चीज़ है, अलग से चीज़ है, स्कूटी में बहुत अलग चीज़ है ये, यानी लगेज कैपेसिटी स्टोरेज इसमें भी बड़ी है, अब सामान वगैरह इसमें नज़र भी आ रहा है, काफ़ी रख सकते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त स्कूटी बाइक आपके सामने, क्लासिकल शेप यामाहा वॉक्स 49 सीसी। तो उस्ताद जी कितने की मिलने जा रही है ये? तो घर में खड़ी बड़ी लग्जरी सी चीज़ लग रही है ये, 2.5 लाख रुपए का पीस है, ये जेन्युइन पीस है, मुकम्मल इंजन जेन्युइन, बॉडी जेन्युइन और कलर भी जेन्युइन, ये 2.5 लाख रुपए का मिलेगा जेन्युइन पीस यामा वॉक्स। ठीक है, 2,50,000 में यामा वॉक्स मिलने जा रही है। उस्ताद जी मैं देख रहा हूँ जिसके टायर वगैरह बड़े अच्छे लगे हुए हैं, तो क्या जब चेंज करने हो गए तो सामान मिल जाएगा आपसे? हर चीज़ मिलेगी, ये स्पोर्ट्स बाइक है, स्पोर्ट्स टायर है इसके, और ये बहुत कम चली हुई है और अच्छी बाइक है, बिल्कुल नया और फ्रेश पीस है। ठीक है जी, 2,50,000 में मिलने जा रही है यामाहा वॉक्स, इसका मीटर वगैरह भी देखें, हर चीज़
रनिंग में सेल्फ स्टार्ट ने किया फौरी काम। इंडिकेटर वगैरह भी हर चीज़ वर्किंग में, लाइट्स का इसका अपना एक डिज़ाइन है, मुझे तो बहुत पसंद आई ज़ाती तौर पे। चीज़ है ज़रा हटके, 250 सर जी, सर 250 में। ये भी ट्यूबलेस टायर होंगे, ये भी ट्यूबलेस टायर है, अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर, सेल्फ स्टार्ट, सारी लाइट्स वर्किंग में। अगर हम इंडिकेटर चलाते हैं आप देख रहे हैं कि बैक लाइट, बैक इंडिकेटर भी, फ्रंट टर्न इंडिकेटर भी सारे चल रहे हैं। मेरा कैमरामैन को भी आ रही है ये स्कूटी बाइक, लगता है काफ़ी पसंद चीज़ है। ज़रा हटके यामाहा वॉक्स 49cc आपके सामने, 49cc यामाहा वॉक्स अपनी पूरी लुक के साथ। उस्ताद जी माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी कलेक्शन दिखाई स्कूटी बाइक्स की, हम यकीनन ये बहुत सारी बच्चियों के काम आने वाले हैं ये वीडियो, और यकीनन आपके पास स्कूटी बाइक्स लेने आएंगी। तो अपना मोबाइल नंबर दें जिस पर रब्ता कर सकें। मेरा मोबाइल नंबर है 0300-4510-538 उस्ताद अलियास। बहुत शुक्रिया। और रिपेयर वगैरह का काम सारा होता है यहाँ? बेफिक्र हो जाएं, पार्ट्स में जो भी चीज़ चाहिए होगी मसला नहीं है। और मेरी बाइक काम नहीं निकालती, ये मेरी आवाज़ है, हमें इसकी गारंटी मिलती नहीं है, हम आपको गारंटी देते नहीं है। ये जापान का चला हुआ पीस होगा और फ्रेश पीस होगा, ये गारंटी है। व्यूअर्स खुश रहें, खुशियां बांटें, अपने आसपास वालों का रखेंगे ख्याल, इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी करेगा मजीद खुशहाल। कैमरामैन इरफान रियाज के साथ यूज बाइक्स ऑन पीटीएन पार्क टुडे न्यूज़ लाहौर। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।